जल्दी 6 बज गए। चलो फिर शुरू हुआ बर्बाद जिंदगी की एक और बेकार दिन। चार रैलियों को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे संडीला में पहला कार्यकर्ता सम्मेलन। अखिलेश आज मुजहार सुल्तानपुर। अदिति अदिति जी, मम्मी जी, आज भी तुलसी में पानी नहीं डाली। हर चीज मुझे ही करना पड़ता है यहाँ पे। अरे संस्कार नाम की भी कोई चीज है या नहीं तुम्हारे अंदर? बस ऑफिस के बहाने भागने की जल्दी रहती है इन्हें। और हाँ सुनो, आज दोपहर का खाना बनाकर ही ऑफिस जाना। मम्मी जी प्लीज आज आप लंच बना दीजिए, मुझे ऑफिस के प्रेजेंटेशन के लिए जल्दी पहुँचना है। वाह क्या संस्कार है। यूपी में कल तीसरे चरण में 59 सीटों पर हुआ मतदान। शाम 5 बजे तक करीब 62%। रुको वहीं, यार दिन का क्या नाटक है बताओ तो? मम्मी को रोज रोज क्यों बोलना पड़ता है? घर में हो तो घर का काम करना ही पड़ता है ना। अब भोली मत बनो। नहीं नहीं, कोई एहसान नहीं करती हो। बुरा मत मानना, एक बात बोलूं, तुमसे शादी करके ना मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अरे अभी ये रोना धोना बंद करो मम्मी, टिफिन पकड़ के दो जल्दी, और फिर से वही घिसे पीटे पराठे मत देना। मैडम, मैडम जी। हाँ भैया, कितना हुआ? 10 रुपये मैडम। सॉरी सर, थोड़ा आज मैं लेट हो गई। नहीं नहीं सॉरी, मैं हूँ आदरणीय अदिति जी। आप जैसे होनहार स्टाफ की हमें जरूरत नहीं है। अब रेजिग्नेशन खुद ही दे दो, नहीं तो मैनेजमेंट से टर्मिनेशन की सिफारिश मैं खुद करूंगा। प्लीज सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, थोड़ा समझिए, घर की कुछ मजबूरियां थी। अच्छा, मेरी मजबूरी कौन समझेगा? दोस्ती तो की नहीं मुझसे कि चलो आंखें मूंद लें। वैसे अभी भी मैनेज हो सकता है, शाम तक का समय देता हूँ तुम्हें, बता देना। हाँ पूनम बोल। क्या हुआ, तू रो रही है क्या? देख मुझसे मत छुपाना। कुछ नहीं यार, अब बर्दाश्त नहीं होता। क्या हुआ, कुछ बोल तो। जी करता है कि सुसाइड ही कर लूं।
पिछले कई सालों से देख रही हूँ तुझे, हर दिन कोई ना कोई नया प्रॉब्लम। आखिर सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देख कर निकलती है तू? वाह क्या संस्कार है। बुरा मत मानना, एक बात बोलूं? अरे अभी ये रोना धोना बंद करो, फिर से वही घिसे पीटे पराठे मत देना। तुमसे शादी करके ना मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। दोस्ती तो की नहीं मुझसे, चलो आंखें मूंद ले। वैसे अभी भी मैनेज हो सकता है, शाम तक का समय देता हूँ तुम्हें, बता देना। आखिर सुबह सुबह किस मनहूस का मुँह देख कर निकलती है तू? किस मनहूस का मुँह देख कर निकलती है तू? किस मनहूस का मुँह देख कर निकलती है तू? मनहूस? आखिर सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देख कर निकलती है तू? तुम मनहूस नहीं हो सकती। अदिति बंठन के आज फिर जाने की जल्दी है क्या? जी हाँ बिल्कुल है। तो क्या चाहती हैं आप? आपके साथ बैठकर घर की घंटियां बजाऊं? चलिए बजाती हूँ। घर का ईएमआई भरवा लीजिएगा अपने बेटे से। रुकिए रुकिए, जाइए मत, अभी बहुत कुछ बोलना बाकी है। 12 सालों से घर चलाने के लिए बराबर के पैसे ला रही हूँ। पैसे का इंतजाम भी मैं बराबर करती हूँ, ऊपर से घर का काम भी करती हूँ। बोलती नहीं तो संस्कार नहीं है मेरे अंदर? अरे वाह, कहने को है कि दहेज में क्या लेकर के आई। जोड़िए जोड़िए, इन 12 सालों में 50 लाख के ऊपर ही बैठेगा। बात करती हैं, और हाँ, या तो कल से मुझे ऐसी संस्कारी बहू बना के रखिए, या फिर ऐसे ही एटीएम मशीन रहने दीजिए। रुकिए, आज आप मेरी सुनिए। आपको ऐसी नौकरानी चाहिए थी जो आपका लाज जूता भी सहे और महीने के अंतिम में आपको मोटी रकम भी ला के दे, और फ्री में मिल गई मैं। तो गुप्ता जी, मुझसे शादी करके आपने गलती करी? नहीं, गलती तो मुझसे हुई है आपसे शादी करके। खैर, इस गलती को या तो मैं सुधार दूंगी या तो आप सबको सुधार दूंगी। और हाँ, कल से घर का नाश्ता खाना बनाने के लिए ढूंढ लीजिएगा किसी को। और हाँ, मम्मी का रोना धोना पसंद नहीं है ना रोहन? अब नहीं रोएगी मम्मी। अपना टिफिन खुद से पैक कर लेना, काफी बड़े हो गए हो अब तुम। सच मानिए, मनहूस कोई चेहरा नहीं होता, बल्कि आपकी अपनी सोच होती है। आपको भी अपनी आवाज सही जगह उठानी चाहिए, इसलिए नहीं कि आप चिल्ला सकते हैं, बल्कि इसलिए कि आइंदा बिना आवाज वाले लोगों के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। गुड मॉर्निंग। सॉरी सर, आपने कल शाम तक का वक्त दिया था मुझे अपनी फ्रेंडशिप कबूल करने के लिए। मुझे और वक्त चाहिए था, रात भर सो नहीं पाई। आपके सभी व्हाट्सएप चैट्स को पीडीएफ फाइल बनाने में, आपके सारे दिए गए अडल्ट भजन और कीर्तनों को और फोटोज को पेन ड्राइव पे सेव करने में थोड़ा वक्त लग गया। क्या सोच रहे हैं, ये सीधी साधी औरत अचानक से बदल कैसे गई? एनीवेज, मैनेज हो जाएगा। शाम तक का मुझे
माफीनामा लिखित में चाहिए, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन सेल के पोर्टल पर रात तक सब अपलोड कर दूंगी। देख मत, थर की बुड्ढे, चप्पल भिंगा के मारूंगी।